सबसे बड़ी मांग हमारे पूरे क्षेत्र की थी कि सांभर जिला बने, और इस सरकार ने रेवड़ियों के जैसे जिला बांटा, इस सरकार ने रेवड़ियों के जैसे जिला बांटा, जो एक नगर पालिका भी नहीं होती थी, पंचायत होती थी, उसको जिला बना के छोड़ा। सैकड़ों निर्दोष लोगों को कानून के दायरे में लाके उनको जिले के आंदोलन में उनको परेशान किया गया, उनके मुकदमे दर्ज किए गए, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां बंद है, तो वो जिले के आंदोलन में शामिल थे। अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी तोतला, देवकरण जी गुजर, नरेना देहात अध्यक्ष, हम सबके लोकप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी, हम सबके बीच में आ गए, एक बार सब अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे और हाथों से ताली बजाकर स्वागत करेंगे। आगे बढ़ो। सम्माननीय निर्मल कुमावत जी को आप पधारे और मैडम का स्मृति चिन्ह माँ शाकंभरी का छाया चित्र आप प्रदान कर आप इनका सम्मान करें। अतिथि देवो भवे की परंपरा है। सम्माननीय निर्मल जी समूचे फुलेरा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और समूचे फुलेरा की जनता की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आज विजय संकल्प का यह अभियान सांभर की इस ऐतिहासिक नगरी से पुण्य सलीला धरती से आज शुरुआत हुआ है। मैं आपका मैडम का 51 किलो की बड़ी माला का सम्मान इस माला के साथ में करेंगे निवेदन करूंगा। सांभर की धरती के मंडल अध्यक्ष जितेंद्र डांगरा जी, फुलेरा देहात मंडल अध्यक्ष पति नायन जी शर्मा, फुलेरा शहर अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी शेखावत, नरेना मंडल अध्यक्ष नटवर जी पारिक, किशनगढ़ रेणवाल मंडल अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी तोतला, देवकरण जी गुजर, नरेना देहात अध्यक्ष और फुलेरा देहात उत्तर के अध्यक्ष मूलचंद जी, आप सभी मैडम का समूचे विधानसभा की ओर से आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। सम्माननीय निर्मल कुमावत जी को आप पधारे। आप वर्तमान में मेंबर ऑफ लेजिलेंसी असेंबली राजस्थान है। आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। आप मैडम का अभिनंदन के लिए आवाज देना चाहूंगा, बुलाना चाहूंगा सम्माननीय निर्मल कुमार जी। बोलो शाकंभर राज रानी की। हम सबके लिए आज बड़े गौरव की बात है कि हम सबकी नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हमारे बीच में पधारी। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। साथ ही हमारे ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंपालाल जी गैदर साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष भाई राजेश जी गुजर साहब, हमारे पार्टी के सभी मंडल अध्यक्ष गण, पार्टी के पदाधिकारी गण, हमारे जम्मू कश्मीर से पधारे हमारे प्रभारी दलजीत जी, उपस्थित सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं बहनों, मेरे युवा साथी और पत्रकार साथियों, माननीय वसुंधरा राजे जी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सांभर की धरती पे आपका पहले भी आगमन हुआ है। माननीय मैम आप 2007-08 में भी शाकंभरी माता के पधारे थे और सिर्फ आपके एक बार आने के बाद आपने सैकड़ों करोड़ रुपए वहां खर्च करके उस जगह की काया पलट कर दी आपने एक बार आने पे। और अब ये पूरी जनता उम्मीद रखती है आपसे कि आप पिछली बार तो सांभर के देहात इलाके में आए थे, इस बार सांभर की धरती पे आए तो निश्चित तौर पे यहाँ का काया पलट भी होके रहेगा, ये विश्वास रखते हैं हम आप। साथियों हम सब लोग जानते हैं पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही और इस सरकार ने परिकाष्ठा की हदें पार करी, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे भेदभाव हो, चाहे दबाव की राजनीति हो, चाहे हमारे साथ भेदभाव का मसला हो। माननीय वसुंधरा जी सबसे बड़ी मांग हमारे पूरे क्षेत्र की थी कि सांभर जिला बने और इस सरकार ने रेवड़ियों के जैसे जिला बांटा, इस सरकार ने रेवड़ियों के जैसे जिला बांटा, जो एक नगर पालिका भी नहीं होती थी, पंचायत होती थी, उसको जिला बना के छोड़ा। मैं आपसे निवेदन करूंगा पूरी जनता की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनेगी तो मेरा आपसे पूरी जनता की ओर से मांग है कि जो अन्याय हमारे साथ हुआ है, जो अत्याचार उस पे आप पुनर्विचार कराएंगे और हम सबको न्याय दिलाएंगे, ये हम सब आपसे उम्मीद करते हैं। साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपका कार्यकाल था, मैं MLA था, मुझे कहते हुए गर्व होता है कि जब भी हमने कुछ भी मांगा आपने एक मिनट नहीं लगाई, पूरे विधानसभा क्षेत्र को
अगर बिसलपुर का पानी किसी ने गांव-गांव घर-घर पहुंचाया तो आदरणीय आपके राज्य में पहुंचा, और आज ये स्थिति है कि 15-15 दिन से पीने का पानी हमको नहीं मिल रहा। पूरे सिस्टम को इन्होंने खराब करके पटक दिया, चाहे लाइट हो, चाहे बिजली हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, चाहे सड़कें हो। अभी आप बाई रोड जयपुर पधारेंगे, आप सड़कें देखेंगे हमारी कितनी बुरी स्थिति है। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी से कि सांभर के लिए, किशनगढ़ रेनवाल के लिए जो मांगा आपने, चाहे कोर्ट देनी हो वहां पे, चाहे नए ऑफिस लाने हो, चाहे यहाँ टूरिज्म सर्किट आपने अगर डेवलप किया हम लोगों की आजीविका के लिए, तो वो आप ही की देन है कि सैकड़ों करोड़ रुपए लगा के आज पूरे देशवासी सांभर को जानने लग गए, पूरे देशवासी इस झील को देखने के लिए आने लग गए। मेरी आपसे पुरजोर मांग रहेगी कि हमारी सरकार जब रहेगी तो किशनगढ़ रेनवाल में हमारे एक दो फ्लाईओवर्स का मुद्दा है, इसके अलावा नई बिल्डिंग हॉस्पिटल की हमें सख्त आवश्यकता है। आप ताजुब खाएंगे, मैंने पूरी बिल्डिंग एमएलए कोटे से बनाई है, अभी हो अभी सब लोगों ने देखा है, इतना बड़ा पूरे हॉस्पिटल की बिल्डिंग मैंने एमएलए लेट से बनाई है, आपको दिखाऊंगा उसकी वीडियो। अब सबकी मांग है कि जब अपन सरकार आ जाएगी तो करोड़ों रुपए की लागत से चमचमाता हुआ जिला अस्पताल आप ही की देन वहां पे होने वाला है, ये हमें विश्वास है। इसी के साथ जो भी हमारे क्षेत्र की, चाहे ट्रेनों के ठहराव का मामला हो, चाहे यहाँ की आजीविका का मामला हो, आने वाले समय में चाहे शूटिंग के हिसाब से हमारी नगरी हो, चाहे रोजगार के हिसाब से हमारे यहाँ के लोग हो, पलायन करके बाहर नहीं जाना पड़े। मेरी आपसे पुरजोर मांग है कि आने वाले समय में आपकी ओर से इस सांभर की धरती पे, फुलेरा की धरती पे, रेनवाल की धरती पे, नरेना की धरती पे पूरी कृपा दृष्टि बनी रहे, यही हमारी आपसे मांग। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, पूरी जनता की ओर से कहना चाहूंगा कि जितना अत्याचार इस कांग्रेस की सरकार में हमारे साथ हुआ है वो सारा अत्याचार का बदला आप जरूर लेंगे। उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा, कि हमारे सैकड़ों निर्दोष लोगों को कानून के दायरे में लाके उनको जिले के आंदोलन में उनको परेशान किया गया, उनपे मुकदमे दर्ज किए गए, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनकी गाड़ियां बंद है, फिर वो जिले के आंदोलन में शामिल थे कि हमारे का जिला नहीं बना। सैकड़ों आदमी, 800-900 आदमी भी मुकदमा दर्ज है माननीय मैम। तो आपसे निवेदन है कि जब हमारी सरकार आए तो उन लोगों को भी यहाँ राहत मिले, हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, हमारे काम के लिए वो गए थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि आने वाली 25 तारीख को इसी जोश और खरोश के साथ पूरी ताकत लगा के भारतीय जनता पार्टी को आप जिता के भेजें। आने वाला समय अपना ही होगा और माननीय वसुंधरा जी हमारे बीच में पधारी हैं, निश्चित तौर पे हमारा आने वाला समय बहुत उज्जवल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।